कि दीदी साथ ऐसा हादसा हुआ था, हम लोग तो बहुत डर गए थे। हम नहीं बता पाएंगे। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में महिला सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाले बदमाशों के एनकाउंटर से पीड़ित महिला सिपाही के परिवार में खुशी का माहौल है। महिला सिपाही का परिवार प्रयागराज से 40 किलोमीटर दूर सोराव में रहता है। महिला कांस्टेबल की मां काफी बुजुर्ग है। पीड़ित महिला सिपाही के भाई और भाभी पुलिस की इस कार्यवाही से काफी खुश है। उनका कहना है कि योगी सरकार ने बदमाशों के साथ जो किया उससे ऐसे लोगों को सबक मिलेगा। महिला सिपाही की भाभी तो इस दर्दनाक घटना को याद करके ही सिहर उठती है और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कार्रवाई होने के बाद हमको लोग को बहुत राहत हुआ है। हाँ, कि दीदी साथ ऐसा हादसा हुआ था, हम लोग तो बहुत डर गए थे। हम नहीं बता पाएंगे। आगे कुछ? अच्छा, आप तो आज जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, एसटीएफ ने कार्रवाई की है, तो आपको थोड़ा खुशी तो हुई होगी? बहुत खुशी हुई। आपसे मुलाकात हुई है आपकी दीदी? हाँ दीदी, 16 तारीख से हम लोग बात करके आए थे शाम को। तो अब वो आपसे उन्होंने कुछ बताया था? नहीं, इस बारे में नहीं बताया था, पर बहुत ठीक है। अच्छा, तो आज जिस तरह से कैसे आपको खबर मिली कि जो आरोपी उनका एनकाउंटर हुआ है? हम लोग सुबह टीवी में देखे तो पता चला। तो आप योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये इंसाफ जो हुआ है उससे खुश हैं? बहुत। सोराव में पीड़ित महिला सिपाही के पड़ोसी और रिश्तेदार भी योगी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया गया, उससे अपराधियों में कानून का खौफ रहेगा और ऐसी घटना करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। हमें तो यही पता चला था कि शाम को वो यहाँ से ट्रेन पकड़ के सरजू एक्सप्रेस यहाँ से ड्यूटी गई थी, फिर वो रास्ते में वहाँ मनकापुर में सो गई, फिर वापसी में उनके साथ ये हादसा हुआ। सुबह हमें 30 तारीख को पता चला। हादसे के बाद अस्पताल में अभी कैसी तबीयत है? आप मिल के आए हैं उनसे? हाँ, उनसे हम मिल के आए हैं। अब पहले से बहुत ठीक हैं, वो अपने से खाना खा रही हैं और थोड़ा बहुत बोल भी रही हैं, और पहले से उनकी ट्रीटमेंट वगैरह अच्छी चल रही है। उन्होंने कुछ आप लोगों के बारे में बताया घटना के बारे में? घटना के बारे में मुझे कोई नहीं पता था। उनसे कुछ बातचीत हुई? उन्होंने नहीं, हमने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, क्योंकि हम ये सब पूछने पे उनको दिमाग पे कोई प्रेशर पड़ेगा और कुछ इस टाइम में वो इलाज में चल रही हैं, तो इसलिए हमने कोई चीज़ नहीं पूछी। दिखाएंगे ना?